बचेगी तो नेतृत्व आएगा ना। कांग्रेस कहाँ बच रही है, जनता ने नकार दिया है उनको। और मैं समझता हूँ कि जब हार की हाहाकार होती है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये अपेक्षित था कि कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठेगा और वो उठ रहा है। कोई खास परिवर्तन बात से सर, अगर गांधी परिवार के बाहर से कोई आता है तो बीजेपी को नुकसान होगा? ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी को अभी टक्कर देने वाला या मोदी जी को टक्कर देने वाला अभी देश के पास विपक्ष में कोई भी नेता नहीं। ममता बनर्जी को विपक्ष का एक बार फिर चेहरा बताया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी उनका प्रदेश नहीं चला पा रही है, वहाँ लैंड ऑर्डर नहीं है, वो देश की नेता कैसे हो सकती है और कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? और इसलिए आज की तारीख में मोदी जी के जो हाइट है, राजनीतिक हाइट सारी दुनिया के अंदर, उनके कोई भी व्यक्ति एक दो फुट में भी नहीं लगता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई मोदी जी का विकल्प देश की जनता के लिए।